कैसे हो मैम? मस्त हूँ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया मैम, मैं मानता था बहुत। आप लोग कैसे हो? एकदम बढ़िया मैम। कैसा चला मैम वर्कआउट? बढ़िया मैम। आज जन्माष्टमी है। हाँ जी, हैप्पी जन्माष्टमी आप लोगों को। तो मैम इस बार कहीं ना कहीं वो रौनक जो थी जो हर बार होती थी कहीं खो गई मैम, तो क्या लगता है, क्या लगता है थी? क्या करें, मतलब भी कोविड टाइम्स है, वो सोशल डिस्टेंसिंग है, तो लोग जन्माष्टमी मना भी नहीं सकते थे, पास में नहीं जा सकते, गरीब लोग नहीं जा सकते हैं, मटकी नहीं फोड़ सकते हैं, तो दुख हो रहा है। अभी इंडिया की जो फेस्टिवल्स है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, गणपति भी कॉम्प्रोमाइज होगा डेफिनेटली, तो कुछ नहीं कर सकते। आई थिंक हेल्थ कम्स फर्स्ट ना, सबसे पहले हम सेहत देखेंगे, तो लगेगा, मुझे लगता है एक साल लगेगा। घर पे बैठो, सेफ रहो, यही बोल सकते। थिएटर्स भी नहीं खुले ना बॉम्बे में, बिल्कुल दिल्ली में चालू, पर उतना क्राउड नहीं है ना जितना होना चाहिए, वो रौनक नहीं है। मैं खुद जाती थी हर वीकेंड पे थिएटर में समोसे खाने, अब कुछ पॉपकॉर्न खाने, मखाना खाने, अब कुछ नहीं हो रहा है, गया वो जमाना, भूल जाओ। मैम क्या लगता है आगे जाके ऐसे ही रहने वाली है कि चीजें बदल जाएगी? मेरे हिसाब से 1-2 साल लगेगा बदलने में, फिर से अपना टाइम, फिर से वो जो कॉन्फिडेंस और वो जो डर है ना लोगों के मन में बैठ गया, वो निकलने में 1-2 साल लगे। बिल्कुल मैम, जो लोग बोलते हैं ना 6 महीने में हो जाएगा ठीक, मुश्किल है, कुछ भी नहीं, 2 साल कन्फर्म, 1 साल तो कन्फर्म। मैम अब बात होगी जन्माष्टमी की, इस बार तो थोड़ा बहुत बिग बॉस देख ही लिया होगा। नहीं देखा है सच्ची में, मतलब अभी आप घड़ी घड़ी बुलवा रहे हो ना, तो लोग मुझे मार डालेंगे कि बिग बॉस नहीं देखा अभी तक। नहीं देखा है क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो कोई अंदर गया जो आपका फैंस ब्रांड हो गया? एक रतिमा मेरी फैन थी, वो बाहर आ गई बस, और मैं नहीं जानती कौन कौन गया, कौन है वो भी नहीं पता, मैं बाद में बताऊंगा। पर ये कलर्स वाली मार डालेगी मुझे। ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। Thank you.